Hey guys, welcome to my channel. Guys, आज की क्लास में हम जियोग्राफी से रिलेटेड 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं. ये आपका पार्ट टू है. पार्ट फर्स्ट में हमने ऑलरेडी 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. फिलहाल हम आज की क्लास पे फोकस करते हैं. तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मेंशन है, उसमें पूछ रहा है कि जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती है. ऑप्शन आपके पास आग्नेय सेल, परतदार सेल, रूपांतरित सेल या इनमें से कोई नहीं. तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा. बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो आपका जीवाश्म होते हैं वो किस प्रकार के सेल में पाए जाते हैं, परतदार सेल में पाए जाते हैं. तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि उच्च तापमान और वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार की मिट्टी विकसित होती है. शुष्क मिट्टी, वन मिट्टी, काली मिट्टी या लाल मिट्टी. तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इस नंबर का. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, शुष्क मिट्टी. यानी उच्च तापमान और वाष्पीकरण के कारण शुष्क मिट्टी विकसित होती है. तो यहाँ ए ऑप्शन आपका करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय मृदा में कमी है, किसकी कमी है. मैग्नीज की कमी है, कैल्शियम की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है या फास्फोरस की कमी है. तो यहाँ आपका राइट आंसर है सी, नाइट्रोजन की. यानी भारतीय मृदा जो है, मिट्टी जो है, उसमें नाइट्रोजन की कमी है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है. ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना या नर्मदा. तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा. ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र. ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम क्या है, भारत के बाहर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसमें कह रहे हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है. 18%, 21%, 78% या 39%. तो यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 21%. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है. ये क्वेश्चन आप आसानी से बता सकते हैं. ऑप्शन आपके पास ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन. तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा. वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो है आपकी नाइट्रोजन. तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मानसून है, यानी मानसून क्या है. ऋतुपरक पवने हैं, स्थायी पवन है, अस्थायी पवन है या स्थानीय पवन है. तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऋतुपरक पवन है. तो यहाँ ये ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सी हवा वर्ष में दो बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है. व्यापारिक हवा, पछुआ हवा, मानसून हवा या ध्रुवीय हवा. तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इस नंबर का. यहाँ सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि जो मानसून हवा होती है वो वर्ष में दो बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसमें कह रहा है कि वायुमंडल का कौन सा भाग पृथ्वी से संबंध है. समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या ताप मंडल. तो गाइज यहाँ जो आपका राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसमें कह रहा है कि वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंग को धरती पर परावर्त करती है. स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोपास, आयनोस्फीयर या ट्रोपोस्फीयर. तो यहाँ आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आयनोस्फीयर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में उष्णकटिबंध क्षेत्र कौन सा है. भूमध्य रेखा से आर्कटिक वृत्त तक, भूमध्य रेखा से आर्कटिक वृत्त तक या कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य, आर्कटिक वृत्त से अंटार्कटिक वृत्त तक. तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, कर्क रेखा से मध्य रेखा के मध्य उष्णकटिबंध क्षेत्र है. तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन संघनन नहीं है. कोस, कोहरा, धुआं, धुंध, पाला, मेघ या वर्षा. यानी इनमें से कौन संघनन नहीं है. ऑप्शन आपके पास ओस, कोहरा, धुआं या पाला. तो राइट ऑप्शन बताइए कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा. तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो धुआं होता है वो संघनन नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसमें कह रहा है कि वर्षा, बर्फ और ओलो के रूप में पानी के गिरने की प्रक्रिया क्या कहलाती है. ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, संघनन या वर्षण. तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा संघनन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कर्का में होता है कणिकामय बर्फ, क्रिस्टल बर्फ, पानी की बूंदे या बर्फ के जत्थे संकेंद्रित परत सहित. तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बर्फ के जत्थे संकेंद्रित परत सहित. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हिमपात होता है तब, यानी हिमपात होने की कंडीशन क्या होती है. पानी की बूंदे जमीन पर गिरते ही जम जाती है, वर्षा की बूंदे वायु में अपड्रॉप के कारण ऊपर की तरफ जाती है, वायु का ओसांग हिमांक से नीचे होता है या वायु में अधिकतर नमी होती है और संवहन के कारण ऊपर उठती है. तो यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जब वायु का ओसांग हिमांक से नीचे होता है तो हिमपात होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
कह रहा है कि वर्षा में कमी किसके कारण होती है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, वनीकरण के कारण, मृदा अपरदन के कारण या मृदा संरक्षण के कारण। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है स्प्रिंग साइक्रोमीटर को, यानी स्प्रिंग साइक्रोमीटर जो मशीन होती है उससे क्या मापा जाता है, तापमान, आर्द्रता, दाब या पवन वेग। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्द्रता मापी जाती है। फिर कह रहा है कि पवन के वेग का संनियामक किसने दिया, यानी किससे रिलेटेड है, दाब प्रबलता से, फेरल नियम से, पृथ्वी का घूर्णन या तापमान। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दाब प्रवणता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, यानी तीन स्टेटमेंट आपके गलत है और एक स्टेटमेंट सही है, वही आपसे पूछ रहा है। पहले में कह रहे हैं कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान बढ़ता है, ये गलत है। फिर कह रहा है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर वायुमंडलीय दाब घटता है, ये भी गलत है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान घटता है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ आपका सी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि चक्रवात क्या है, उत्तरी गोलार्ध में अल्पदाब तंत्र के साथ दक्षिणावर्त पवन, उत्तरी गोलार्ध में उच्च दाब तंत्र के साथ वामावर्त पवन, उत्तरी गोलार्ध में अल्पदाब तंत्र के साथ वामावर्त पवन या उत्तरी गोलार्ध में उच्च दाब तंत्र के साथ दक्षिणावर्त पवन। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी गोलार्ध में अल्पदाब तंत्र के साथ वामावर्त पवन। इस क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि रिक्टर पैमाने का उपयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है, सुनामी तरंगों की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता, समुद्री जल में लवणों का घनत्व या विद्युत धारा का प्रवाह। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रिक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर कह रहा है कि सामान्यता सुनामी लहरें कितने किलोमीटर घंटे की गति से चलती हैं, 100 से 200 किलोमीटर पर घंटे, 200 से 400 किलोमीटर पर घंटा या 400 से 600 किलोमीटर पर घंटा या 600 से 800 किलोमीटर पर घंटा। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि सुनामी लहरें जो होती हैं वो 600 से 800 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि निम्न में से किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिकतम जल की आवश्यकता होती है, गन्ना को, गेहूं को, मक्का को या जौ को। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गन्ना, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्थित है, यानी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में, मेक्सिको में, नाइजीरिया में या फिलीपींस में। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है फिलीपींस, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका फिलीपींस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि एक धान्य कृषि एक विशिष्ट लक्षण है, यानी एक धान्य कृषि जो है वो किसका विशिष्ट लक्षण है, स्थानांतरी जुताई, जीविका खेती, विशिष्ट उद्यान खेती या वाणिज्य अनाज खेती। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वाणिज्य अनाज खेती, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि किस फसल की खेती के लिए जलाक्रांति किया जाता है, चाय, कॉफी, चावल या सरसों। तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन है चावल, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना किस तकनीक से संभव है, कौन सी तकनीक कहलाता है, फसल प्रत्यावर्तन, फसल चक्र, फसल परिक्रमा या फसल बदलना। यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फसल चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि विश्व के किस राष्ट्र को शक्करदान कहा जाता है, भारत, क्यूबा, रूस या यूएसए। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्यूबा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि खट्टो फलों के लिए कौन सा प्रदेश सबसे प्रसिद्ध है, मरुस्थल, मानसून क्षेत्र, शीतोष्ण घात स्थल या भूमध्य सागरीय क्षेत्र। गाइज यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन वो हो जाएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग किसके द्वारा अधिकृत है, वायु के द्वारा, रेत के द्वारा, जल के द्वारा या बर्फ के द्वारा। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जल के द्वारा। तो इस वीडियो में हमने टोटल 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और ये आपकी सेकेंड क्लास की, फर्स्ट क्लास की जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे ऐसे कंटेंट मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे और साथ में फ्री PDF भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।